अग्रोहा धाम में पूर्णिमा के पावन पर्व पर छप्पन भोग भंडारा, भव्य भजन कीर्तन व वैश्य समाज की मीटिंग अग्रोहा धाम वैश्य समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग की अध्यक्षता में हुई। कार्यक्रम में भारी संख्या में धर्म प्रेमियों ने भाग लिया। इस अवसर पर बजरंग दल ने उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि 7 सितंबर को अग्रोहा धाम में जन्माष्टमी पर भव्य कार्यक्रम होगा, जिसमें हरियाणा, पंजाब व राजस्थान के कलाकारों द्वारा भगवान श्री कृष्ण की रासलीला, सुंदर सुंदर झांकियां व भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा और रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। गर्ग ने कहा कि 29 अक्टूबर को अग्रोहा धाम में राष्ट्रीय स्तरीय विशाल वार्षिक मेले का आयोजन होगा, जिसमें देश भर से लाखों लोग मेले में भाग लेंगे। पूरे देश का वैश्य समाज अग्रोहा धाम के नेतृत्व में एकजुट है और वैश्य समाज द्वारा देश में जगह जगह अलग अलग संस्था बनाकर जनहित के कार्य कर रही है। यहाँ तक कि समाज द्वारा जनहित के कार्यों के साथ साथ सरकार का हर प्रकार का सहयोग कर रही है। इतना ही नहीं, केंद्र व प्रदेश सरकार को हर प्रकार का करोड़ों अरबों रुपए टैक्स देकर देश व प्रदेश के विकास में अपना पूरा योगदान दे रहा है। बजरंग गर्ग ने कहा कि आज वैसे समाज भारत देश ही नहीं पूरे विश्व में बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर आ रहा है। अग्रोहा धाम की तरफ से देश व प्रदेश में वैसे समाज की इकाइयों का विस्तार किया जा रहा है, ताकि संगठन के माध्यम से जरूरतमंद व गरीबों की पहले से ज्यादा सहयोग किया जा सके। अग्रोहा धाम में कलाकारों द्वारा प्रस्तुत भजनों पर भगत जन काफी देर तक घूमते रहे। इस अवसर पर आए हुए अतिथियों का स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मनीष अग्रवाल असम, सतीश गुप्ता दिल्ली, लक्ष्मीचंद सिंगला जयपुर, नंद किशोर अग्रवाल पंजाब, प्रेम सिंगला यूपी, राष्ट्रीय महासचिव चूड़िया राम गोयल, युवा संयोजक अनंत अग्रवाल, श्री राज गर्ग जिला प्रधान, एन के गोयल संजय डालमिया युवा प्रधान, मनीष गोयल, राम बाबू अग्रवाल काठमांडू, प्रमुख समाज सेवी जगदीश तायल व अन्य अनेक प्रतिनिधि भारी संख्या में मौजूद रहे। अग्रवा धाम में आज पूर्णिमा के पावन पर्व पर भव्य भजन कीर्तन का कार्यक्रम के साथ साथ छप्पन भोग और भंडारे का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया, जिसमें हजारों धर्म प्रेमियों ने आज अग्रवा धाम के कार्यक्रम में भाग लिया। और अग्रवा धाम सबका यहाँ की 7 सितंबर को जन्माष्टमी के ऊपर भी भव्य कार्यक्रम भगवान श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी का उत्सव बनाया जाएगा और रात 12 बजे उनका जन्मदिन बनेगा, जिसके अंदर बाहर के हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के कलाकारों द्वारा रासलीला व सुंदर सुंदर श्री भगवान कृष्ण जी की राधा जी की झांकियां का कार्यक्रम रहेगा। और यहाँ तक कि अग्रवा धाम जो है पूरे देश के अंदर जितनी वैश्य समाज की हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं, वैश्य समाज पूरा अग्रवा धाम के नेतृत्व में एकजुट है और अग्रवा धाम के नेतृत्व के अंदर पूरा देश का वैश्य समाज सामाजिक व धार्मिक कार्यों में लगा हुआ है। यहाँ तक कि आज जो वैश्य समाज की जो पहचान है, भारत देश नहीं वैश्य समाज के व्यक्तियों ने पूरे विश्व के अंदर अपना एक डंका बजाने का काम किया है और हर प्रकार का सहयोग केंद्र की सरकार हो, स्टेट की सरकार हो, आम जनता के हित के अंदर हम समाज ये काम कर रहा है। और यहाँ तक कि अग्रवा धाम के इकाइयों का विस्तार पूरे देश के अंदर हम कर रहे हैं, ताकि और जनता के हित के अंदर हमारी इकाइयाँ पहले से ज़्यादा राष्ट्र में जनता के हित के अंदर काम कर सकें। और मेरी देशवासियों से अपील है अग्रवा धाम में आकर धर्म लाभ उठाएँ।